दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आरबीएल बैंक में हम घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक आरबीएल बैंक में ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप आरबीएल बैंक में ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर देते हो इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको जनरेट करके दे दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों फिजिकल डेबिट कार्ड और आपका चेकबुक आपके घर पे सेंड कर दिया जाता है। और अगर दोस्तों आप आरबीएल बैंक में घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पर हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आरबीएल बैंक में अकाउंट को ओपन करना है, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा और इसके साथ ही आप वीडियो केवाईसी कैसे करोगे। इसके लिए भी दोस्तों बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जैसे दोस्तों टाइप करेंगे आपको ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा और इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे इस तरीके से पहले सबसे पहले आपको परमिशंस मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको परमिशंस को एक्सेप्ट करना होगा। देन यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको परमिशंस मिलेगी सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके से दोस्तों आपको इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट पहले से ओपन है तो यहाँ पर नीचे रजिस्टर एंड क्रिएट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं ओपन है तब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, आप देख सकते हैं कि ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिस मोबाइल नंबर से, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी एक सिंपल गाइड आपको किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आप आधार नंबर डालेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या तो फिर दोस्तों अपने आधार के QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटर OTP का कॉलम मिलेगा। अब आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी। OTP यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं जाती है तो रिसेंट OTP के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि पैन कार्ड डिटेल आपको डालना होगा। आप दोस्तों यहाँ पर अपने पैन नंबर को फिल करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर डालकर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर भी जेंडर रहेगा। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मदर फुल नेम मिल जाएगा, आपको नाम डाल देना है। देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, एक ईमेल आईडी को फिल करेंगे। मदर नेम कोई भी जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जरूरी फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों नेशनलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आर योर पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन और रिलेटेड टू वन, तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल नेम सेलेक्ट करना होगा, मिस्टर है मिसेज है वो आपको देख लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट रिलीजियस का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा धर्म है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, आपकी कौन सी कैटेगरी है जैसे SC ST OBC नॉट अप्लीकेबल अदर्स है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करें, मैरिड है या फिर दोस्तों अनमैरिड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको फादर नाम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप अपनी वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं, यानी कि स्पाउस नेम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हम यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और रेजिडेंट एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपसे ये पहले वाले ऑप्शन में पूछा गया है कि आपका ये एड्रेस जो वो परमानेंट एड्रेस है, तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये आधार वाला एड्रेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप इनमें कोई भी एडिट करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरीके से एक डिक्लेरेशन आ जाएगी जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर पैन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी जो है रेजिडेंसी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको SC KYC एक नंबर मिल जाता है, तो ये दोस्तों डिफ़ॉल्ट है, इसे आपको फ्री छोड़ देना है। इसके बाद में आपको दोस्तों फेस डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर टैक्स को पे करते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन वरना आप दोस्तों ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको जो है एक डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्वालिफिकेशन को अपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ कंपनी फर्म का नाम आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी, तो सैलरीड है, बिजनेस इनकम है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जा रही है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इतनी डिटेल फिल करने के बाद में डायरेक्ट आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल प्राइम सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद में यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर डोमेस्टिक कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना होगा, जैसे नॉमिनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जिसके आप नॉमिनी डाल रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो फिल कर देंगे, एड्रेस क्या रहने वाला है वो दोस्तों हम इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, इनको आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, देन एक्सेप्ट करेंगे, कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी आपने यहाँ पर पूरा फिल किया होगा इसे आपको पूरा चेक कर लेना है कि अब बिल्कुल आपने जो डिटेल दी वो सही है नहीं सही है। इसके बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके एक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP यहाँ पर टाइप करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से कैंग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा, कस्टमर ID, FSC कोड और ब्रांच का नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्लीट योर वीडियो KYC का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वीडियो KYC को कंप्लीट करना होगा, इसके लिए दोस्तों कंप्लीट योर वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो KYC कर देंगे। आज दोस्तों संडे का दिन है, हम यहाँ पर KYC नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको नो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला अगर वीडियो KYC करने के लिए तो नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को चेक कर सकते हो, या फिर डू इट लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो KYC इसके बाद में भी आप कर सकते हो। जब तक कि दोस्तों आप अपने अकाउंट की KYC नहीं करोगे तब तक कि अकाउंट पूरा नहीं माना जाता है, तो KYC करेंगे उसके बाद ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि तब तक कि आपका अकाउंट जो होता है वो पेंडिंग में रहता है, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप RBL बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस इसके दोस्तों आपको KYC को कंप्लीट कर लेना है। सो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।